बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकमल ख़ान है और मैं ग्रैंड एफएमजीज अलायंस का बानी हूँ। मैं और कुछ हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने मिलकर पिछले 3-4 महीने से कोशिश की और तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद हमने एक दफ़ा पीएमसी को कुछ अपनी डिमांड्स का लेटर भी दिया, लेकिन उन्होंने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए पीएमसी के बाहर आए, उन्होंने फिर सारा दिन हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद हमने रोड भी ब्लॉक किया, हम पर जदोकोब भी किया गया, हम पर तशद्दुद भी किया गया। उसके बाद डीसी की रिक्वेस्ट पर और गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर हमने वो रोड खोल दिया। उसके बाद आज हमारे मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में पीएमसी वालों ने कुछ हमारी डिमांड्स नहीं मानी, उनमें हमारी जायज़ डिमांड्स हैं, वो उसको हम अब कानूनी रास्ते के तहत हल करने की कोशिश करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे और मैं अपने स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इश्ताल अंगेज़ ना हूँ, मुश्तैल ना हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी इमारतें, अमलाक और गवर्नमेंट हमारी है, ये मुल्क हमारा है। हमने किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी और हम इंशाल्लाह कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और हम हर किस्म का साथ देंगे। जीएफए मुकम्मल तौर पे स्टूडेंट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ है। हम अपने लीगल एडवाइज़र से मशवरा करेंगे और भरपूर तरीके से तैयारी करके हम ये केस लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे, और इसके अलावा बाकी लाहे अमल भी हम अनकरीब ऐलान करेंगे। थैंक यू।